उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मैंने लखनऊ में कल मुलाकात की और भोजपुरी फिल्मों में और वहां के संगीत में बढ़ रही हिंसा, अनावश्यक द्व्यर्थी संवाद और अश्लीलता, इसके बारे में मैंने उनको अवगत कराया और उनसे ये निवेदन भी किया कि इसको जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, क्योंकि जन भावनाएं बहुत आहत हो रही हैं और यूपी बिहार के लोग ऐसी फिल्मों और ऐसे संगीत से बहुत परेशान हैं। जब भी कोई कहीं शादी विवाह होता है, कहीं कोई कार्यक्रम होता है और ये गाने बजने शुरू हो जाते हैं, तो जितने माता पिता, भाई बहन हैं, भाभी जी सब लोग हैं, भैया हैं, सब लोग असहज हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो ये एक बहुत गंदी परंपरा शुरू हो गई है, इसकी सफाई की आवश्यकता है। तो मैं इस बात से मुझे बहुत संतुष्टि है, बड़ी खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये आदेशित किया कि आप ऐसी फिल्मों को अनुदान देना बंद करें। उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी फिल्मों को जो सब्सिडी देती है उसे हम रोक रहे हैं, उसे हम रोक देंगे और ऐसी फिल्मों को हम बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं करेंगे। जहाँ तक फिल्म वालों की बात है, फिल्म वाले हमेशा ही कहते हैं कि भाई हमने सेंसर करा लिया है तो आपको क्या आपत्ति है। सेंसर भले हो गई हो, अब हमारी एक कमेटी ऐसी फिल्मों को देखेगी और उसके बाद ही हम सब्सिडी का फैसला करेंगे कि सब्सिडी क्लियर करनी है, रिलीज करनी है या नहीं करनी है। क्योंकि भले आपने सेंसर करा लिया हो फिल्म को, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इसमें सहायता राशि दे रही है, एक तरह से इन्वॉल्व है, तो उसे जांचना परखना ये हमारी सरकार का अधिकार है। तो इस सिलसिले में कठोर कदम उठाने के लिए योगी जी ने मुझे आदेशित किया है। धन्यवाद मैं देना चाहूंगा पूज्य योगी महाराज जी को, उत्तर प्रदेश सरकार को, ये निर्णय लेना कि जो भी भोजपुरी फिल्म में अश्लीलता हो, अश्लील गाने हो, समाज को खराब करने वाली बात हो, समाज इससे दूषित होता है, भोजपुरी समाज पर आरोप लगता है या हमारी बोली पर, माँ की बोली पर, उसको सरकार से अनुदान जो सब्सिडी कहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से मिलती थी वो अब नहीं मिलेगी। पूज्य महाराज जी आपको धन्यवाद। ये निर्णय पिछले हफ्ते ही हम मिले थे और मैं इसकी एक मुहिम, मैं एक लड़ाई लड़ रहा था एक सीनियर कलाकार होने के नाते, और आपने मेरी बात मान ली और मैं आपने इस सेंसिटिविटी को, इसकी गहराई को और इसकी नाजुकता को समझा, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और एक बहुत बड़ा, बहुत बड़ी एक सीख होगी, एक बहुत बड़ा चाबुक होगा उन सब के लिए जो भोजपुरी में अश्लीलता परोसते हैं, जिन्होंने 5-6 साल में आके भोजपुरी को एक गंदा मार्केट बना दिया था, हम लोगों को शर्म आती थी, आज उसके लिए एक बहुत बड़ा ये निर्णय योगी महाराज जी की सरकार ने लिया है कि अब आप लोग गंदगी या गंदे गाने या गंदी फिल्में बनाएंगे भोजपुरी में, आपको उत्तर प्रदेश की सरकार सब्सिडी या अनुदान नहीं देगी। धन्यवाद पूज्य महाराज जी आपका।